इंडियन प्रीमियर लीग एक ऐसा टूर्नामेंट जिसे क्रिकेट के त्यौहार का दर्जा दिया गया है। आईपीएल पहले 29 मार्च को शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना के चलते आईपीएल टलता गया और आखिरकार अब 19 सितंबर से यूएई में आईपीएल की धमाकेदार शुरुआत होने जा रही है। आईपीएल और विवादों का काफ़ी गहरा नाता है। हर साल होने वाले इस लीग में कुछ ना कुछ विवादित घट ही जाता है। इस बार आईपीएल की शुरुआत में ही ऐसा होता नजर आ रहा है। दरअसल तीन बार की चैंपियन टीम सीएसके शुरुआत से ही मुश्किलों में घिर गई है। पहले कोरोना की मार और फिर टीम के धाकड़ बल्लेबाज सुरेश रैना का टूर्नामेंट से बाहर हो जाना सीएसके को एक के बाद एक तगड़ा झटका लगा। रैना के स्वदेश वापस लौटने को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया। पहले आई खबरों के मुताबिक पंजाब के पठानकोट में रैना के परिवार पर डकैतों ने हमला कर उनके अंकल की हत्या कर दी थी, जिसके कारण रैना देश लौट आए। लेकिन अब रैना के आईपीएल छोड़ने को लेकर हैरान कर देने वाली वजह सामने आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 21 अगस्त को यूएई पहुंचने के साथ ही रैना का होटल रूम को लेकर विवाद चल रहा था। वो धोनी की तरह आलिशान रूम चाहते थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो इस बात से बाएं हाथ के बल्लेबाज रैना काफी नाराज हो गए। रैना को टीम स्टाफ से लेकर कप्तान धोनी ने मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन रैना ने किसी की एक ना सुनी और तुरंत भारत लौटने का फैसला ले लिया। सीएसके टीम के मालिक और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन का हालिया बयान रैना के खराब रवैये की खबरों की पुष्टि भी कर रहा है। श्रीनिवासन रैना के आईपीएल छोड़ने से काफी गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जल्द ही समझ आ जाएगा कि वो कितना कुछ खो रहे हैं, खासकर पैसा। एक इंटरव्यू में श्रीनिवासन ने कहा कि सीजन अभी शुरू भी नहीं हुआ है और रैना को जल्द ही पता चल जाएगा कि वो क्या खो रहे हैं, खासकर वो 11 करोड़ रुपए जो उन्हें आईपीएल खेलने के लिए दिए जाते हैं। उन्होंने बिना रैना का नाम लिए कहा कि मेरा मानना है कि अगर आप किसी बात पर अड़े हैं और खुश नहीं हैं तो वापस जा सकते हैं। मैं किसी को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करता। कभी कभी सफलता व्यक्ति के सिर पर चढ़ जाती है। वहीं कुछ और रिपोर्ट्स की माने तो रैना की आईपीएल छोड़ने का कारण कोरोना वायरस को बताया गया है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक कोरोना केस सामने आने से रैना डर गए थे। हालांकि सीएसके के मालिक श्रीनिवासन ने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा से ही एक परिवार की तरह रही है, इसमें सभी सीनियर खिलाड़ियों ने एक साथ रहना सीखा है। कोरोना को लेकर कप्तान धोनी का कहना है कि अगर कोई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसमें परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। फिलहाल रैना के वापस लौटने के पीछे का मुख्य कारण अब तक सामने नहीं आ सका है। रैना के भारत लौटने की असल वजह क्या रही, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।